गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटे, अपना जो लेसन है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये जो है बेटे लास्ट टू स्टैंजास बचे हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है बेटे आज अपने। तो रीडर्स लीजिए, रीडर्स लेके देखिए जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। तो गांधी जी को, नेहरू जी को, ऐसे बड़े बड़े लोगों को जो पत्र लिखते थे ना बेटे, उसका प्रतिउत्तर जब आता था वो लोगों से, तो सपोज गांधी जी का ही उत्तर इन लोगों को मिला समझो, तो वो कैसा फील होते थे बोले तो, इतने बड़े लेजेंड थे, ऐसे लोगों के पत्र उनको जब मिलते थे तो बहुत ग्रेट फील होते थे, जैसे कि वो एक प्रशस्ति पत्र है। प्रशस्ति पत्र बोले तो एक अच्छा सा, एक गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट है, ऐसा एक अच्छा सा सर्टिफिकेट है, ऐसा मान के उसको फ्रेम करा लेके, गांधी जी के हाथों से लिखा हुआ जो पत्र रहता था ना, उसको फ्रेम करा लेके रख लेते थे अपने घर में। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। यही नहीं, बहुत से बुक्स भी लिखे गए चिट्ठियों के ऊपर, बहुत से पुस्तक और बहुत सी भाषाओं में भी ऐसी पुस्तकें लिखी गई है। तो देखो क्या क्या है वो। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज यानी प्रॉपर्टी के जो लिख लेते ना बेटे अपन, दस्तावेज बोलते हैं उसको, तो कुछ अग्रीमेंट्स, तो ऐसा अग्रीमेंट्स बोल के ही नहीं, कुछ ऐसे कुछ बहुत कीमती चीज है ऐसा, तो उससे कम नहीं माना जाता था लेटर्स को। तो बहुत से बुक्स लिखे गए इस पे, चिट्ठियों पे बोली ना, तो कौन से पुस्तक है वो। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, पंत जी सुमित्रानंदन पंत जी इनका पूरा नाम, इनके द्वारा लिखे गए पत्र बच्चन के नाम। बच्चन याने यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन, अपने अमिताभ बच्चन है ना बेटे फिल्म एक्टर, उनके फादर बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे, तो उनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। तो पंत जी, अपने सुमित्रानंदन पंत जी और हरिवंश राय बच्चन जी के बीच में जो पत्र लेखन चलता था, वो दोनों के बीच के जितने भी पत्र और उत्तर थे उसको एक पुस्तक बनाया गया। तो उसी का टाइटल है पंत के 200 पत्र। 200 पत्र उस पुस्तक में है, 200 पत्र बच्चन के नाम, तो उसका टाइटल है वो। और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, और निराला जी के, ये भी बहुत बहुत फेमस कवि हैं, इनके पत्र तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लेखकों के, जैसे निराला जी के पत्र जो उन्होंने किसी को लिखे थे काव्य संबंधी, तो ये पत्रों को एक पुस्तक के रूप दिया, एक पुस्तक का रूप दिया गया है। जैसे दयानंद सरस्वती, ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे बेटे इन्होंने, तो एक स्पिरिचुअल यानी मत संबंधी, धर्म के, धर्म से संबंधित जो अच्छे वाक्य रहते, तो उस पे है इनके जितने भी पत्र हो या वाक्य हो जो भी हो, तो वो पूरे को एक पुस्तक के रूप में समेटा गया है। और ऐसे बहुत से मिलेंगे अपने को। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे मुस्तैद रहते थे। प्रेमचंद जी बहुत बड़े लेखक है बेटे, हिंदी के बहुत बड़े लेखक है प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी की बहुत से पत्र आते थे उनसे मशवरा लेने के लिए, उनसे सलाह लेने के लिए कि किस प्रकार करें लेखन कार्य, या उनके द्वारा लिखे गए उनको भेजते थे कि ये करेक्ट है, इसमें कुछ बदलाव लाना, ऐसे। तो प्रेमचंद जी हर एक लेटर का इतना अजब ही तरीके से उसका उत्तर देते थे कि उन लोगों को दिल खुश हो जाता था वो उत्तर पढ़ने के बाद। तो प्रेमचंद जी के जितने भी पत्र हैं वो भी समेटा गया। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। नेहरू जी के, गांधी जी के, रविंद्रनाथ टैगोर जी के, ये अपने जो नेशनल एंथम लिखे ना बेटे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके पत्र, ये तीनों के भी एक पुस्तक बनाया गया। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बीच में सन 1915 से लेके 1941 के बीच के
पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो अपने गांधी जी के और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का टाइटल था कवि, तो महात्मा और कवि, महात्मा किसका टाइटल था बेटे, गांधी जी का, तो महात्मा और कवि ये दोनों के बीच में, यानी गांधी जी के और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बीच में जितने पत्र के व्यवहार चले, वो पूरों को भी एक पुस्तक का रूप दिया गया है। तो वो जो है, चाहे आजादी के लड़ाइयों के संबंध में हो या किसी भी प्रकार के, तो वो पूरों को एक पुस्तक का रूप दिया गया है। तो उसका टाइटल दिया गया है महात्मा और कवि। तो ऐसे बहुत से पुस्तक है बेटे जो पत्रों के ऊपर आधारित है, ये अपने को बड़े बड़े लाइब्रेरीज में मिलते पढ़ने के लिए, और उनके हस्ताक्षर से यानी सिग्नेचर रहता, उनके हस्तलेख से यानी उनका हैंडराइटिंग भी अपने को देखने को मिलता। ओके, हाँ, थैंक यू बेटे, आज यहीं पर समाप्त करते हैं।